आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन आरवाईबी एंड यूवीडब्ल्यू, मतलब कि आरवाईबी और यूवीडब्ल्यू में क्या अंतर होता है। दोस्तों आज का यह टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोगों के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी पैदा करता है, क्योंकि कई जगह पर हमें टर्मिनल बॉक्स पे आरवाईबी देखने को मिलता है और कहीं कहीं पे टर्मिनल बॉक्स पे यूवीडब्ल्यू देखने को मिलता है। और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जा सकता है। तो आखिरकार इन टर्मिनल पे लिखे इन वर्ड का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ अगर इस तरीके का सवाल हमसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो हमें इंटरव्यू में क्या जवाब देना है, यह सभी हम आज के छोटे से वीडियो में जान लेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले इस पॉइंट को थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इंटरव्यू के आंसर के ऊपर भी आएंगे कि इंटरव्यू में हमें क्या जवाब देना है। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाए इसके लिए मैं आपके सामने टोटल दो इमेजेस लाया हूं। इन दोनों इमेजेस के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें आरवाईबी की सप्लाई भी देखने को मिल रही है, इस दूसरी इमेज में आपको यहाँ पे आरवाईबी देखने को मिल रहा है, और इसी के साथ साथ इन दोनों इमेज के अंदर हमें यूवीडब्ल्यू भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यूवीडब्ल्यू का पॉइंट, मतलब कि ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा टर्मिनल, ये यूवीडब्ल्यू को इंडिकेट कर रहे हैं, और इसी तरह सेम दूसरी इमेज में हमारे ये तीनों पॉइंट UVW को इंडिकेट कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आखिरकार इस पॉइंट के लिखे होने से हमें क्या फायदा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा और छोटा सा फायदा सिर्फ इतना ही है कि हमारा ये जो RYB और UVW के पॉइंट होते हैं, ये हमें इस चीज को इंडिकेट कर देते हैं कि किस जगह हमें हमारी सप्लाई की वायर जोड़नी है और हमें किस जगह हमारा जो लोड है इलेक्ट्रिकल, उस लोड को जोड़ना है। अभी इस पहले इमेज के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे इस तीनों टर्मिनल को आरवाईबी बताया गया है। इसका मतलब सिंपल सा है कि हमें इन तीनों टर्मिनल पे आरवाईबी थ्री फेज की सप्लाई जोड़नी है। और दोस्तों सेकंड केस में आते हैं हमारे यूवीडब्ल्यू पे, तो यूवीडब्ल्यू हमें किस चीज को इंडिकेट करता है, तो यूवीडब्ल्यू हमें लोड को इंडिकेट करता है कि हमें हमारे इस टर्मिनल पे हमें लोड को कनेक्ट करना है। और दोस्तों इसी के साथ साथ एक बात का और आपको ध्यान रखना है, जब भी हम यूवीडब्ल्यू की बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि इस जगह हम किसी वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं। अगर आपने कई बार मोटर के टर्मिनल बॉक्स को देखा होगा तो मोटर के टर्मिनल बॉक्स आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। इसके अंदर दोस्तों हमारा जो टर्मिनल पॉइंट होते हैं, यह जो अभी हमने यहाँ पे लग लगा के वायर को कनेक्ट रखा है, इसके नीचे यह जो आपको प्लास्टिक प्लेट दिख रही है, इस पे आपको U1 V1 W1 और U2 V2 W2 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो यह मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि हमारा जो U V और W यह जो नंबर होता है, यह नंबर हमेशा हमारी वाइंडिंग को शो करता है। दोस्तों अभी तक तो हमने बेसिक तरीके से यह जाना कि आखिरकार आरवाईबी और यूवीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, लेकिन अगर हमसे यह सवाल इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछा जाए तो हमें उस समय क्या जवाब देना है, वह आप आसानी से इस लाइन की मदद से समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि आरवाईबी मेंशन इन ट्रांसमिशन लाइन एंड केबल, इट यूज ओनली ट्रांसमिट द पावर। इस लाइन का मतलब सिंपल सा वही है जो कि अभी हमने बात करी, कि अगर हमारा कहीं पे भी आरवाईबी लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। या तो हमारे इस आरवाईबी टर्मिनल पर हम इलेक्ट्रिकल की पावर केबल को लाके जोड़ेंगे, या फिर सेकंड केस में ऐसा हो सकता है कि इस आरवाईबी टर्मिनल से हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल की सप्लाई मिलेगी। अब अगर हम हमारी सेकंड लाइन पे आए तो सेकंड लाइन हमारी यूवीडब्ल्यू के बारे में लिखी है, तो ये यूवीडब्ल्यू जो होता है ये हमारा मेंशन करता है लोड साइड को। इस लाइन का मतलब सिंपल सा है कि कहीं पे भी अगर टर्मिनल बॉक्स पे आपको यूवीडब्ल्यू देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब इस जगह हमको हमारे लोड को कनेक्ट करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर इंटरव्यू लेने वाला आपको कहता है कि आखिरकार इन दोनों को अलग अलग बनाया है क्यों गया है, तो उस समय आप यह हमारी तीसरी लाइन बोल सकते हैं। यह थर्ड लाइन हमें बता रही है पर्पस ऑफ दिस टू इज टू डिटरमाइन लोड टर्मिनल एंड ट्रांसमिटिंग टर्मिनल, मतलब कि हमारे यह जो दोनों इंडिकेटर होते हैं आरवाईबी और यूवीडब्ल्यू, ये हमारे एक सिंपल सी बात को डिटरमाइन करते हैं कि हमारा कौन सा एक लोड टर्मिनल है और कौन सा हमारा पावर टर्मिनल या फिर ट्रांसमिटिंग टर्मिनल है। और इसके अलावा दोस्तों एक और छोटी सी चीज आप इंटरव्यू के अंदर जरूर बोलोगे कि यह दोनों का जो उपयोग किया जाता है वह हमारे फेज सिक्वेंस को पता करने के लिए भी किया जाता है। अब आखिर ये फेज सिक्वेंस क्या है, तो फेज सिक्वेंस काफी सिंपल चीज है। हमें पता है कि हमारी जो ये एक मोटर है, इस मोटर को अगर हम आरवाईबी की सप्लाई, जैसे मैंने इसमें आरवाईबी की सप्लाई दी, तो यह मोटर अगर हमारे इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो अगर मैं इसे दूसरे केस में आरवाईबी की सप्लाई ना देके इसे मैं पहले वाई बी और आर इस तरीके से फेज सिक्वेंस चेंज कर दूं, दूसरे फेज सिक्वेंस में अगर इसको सप्लाई देता हूं, तो हमारी जो मोटर की डायरेक्शन है वो बदल जाती है। तो हमें हमारे सिस्टम का फेज सिक्वेंस भी पता रहे इसके लिए भी हम आरवाईबी और यूवीडब्ल्यू के इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो से आप इन्हें पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।